Assalamu alaikum everyone, how are you all? Hope you are doing great and welcome back to my channel. And today's video is about that how we get the halal food in Germany. और being a Muslim ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है जब आप लोग किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो फिर जो है हलाल मीट और चिकन या इसके अलावा इवन केक्स, जेलीज, चॉकलेट्स, उसमें भी अल्कोहल जो है इसकी परसेंटेज होती है, तो फिर ये हम जो है कैसे लेते हैं. बट इन टुडेज व्लॉग आई विल जस्ट टेल अबाउट द मीट एंड चिकन. तो हम लोग इधर क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी वो हैं, जब हम मीट लेते हैं या चिकन लेते हैं, तो हम जो टर्किश शॉप होते हैं तो हम वहाँ से लेते हैं. और जिधर भी मतलब अगर हलाल मीट या चिकन जो है वो मतलब अगर कोई सेल करता है तो वो ज़्यादातर अफ़गानी लोग होते हैं या मोस्टली जो है टर्किश लोग होते हैं, और पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं. लेकिन हम लोग जो हैं यहाँ पर कभी कभार अफ़गानी शॉप से लेते हैं, कभी कभार जो है हम टर्किश से लेते हैं, तो फिर जो है इजी हो जाता है ये लेने में. और चिकन मीट तो फिर आसानी से मिल जाता है. लेकिन अगर हम लोग बात करें अबाउट चॉकलेट्स, जेलीज, केक्स, तो जब भी हम बाहर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉफ़ी के लिए जाते हैं, तो पूछना पड़ता है कि जी जी वाला केक मुझे लेना है लेकिन इसमें अल्कोहल है कि नहीं, तो फिर वो बता देते हैं कि इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है. बाज़ों का तो कभी कभार इस तरह भी हो जाता है. लास्ट टाइम मैं गई थी तो वहाँ पर मुझे कहा कि इन सब में अल्कोहल है, तो फिर मुझे जो है ब्रेड लेना पड़ा. तो फिर कॉफ़ी शॉप में हम मतलब इस तरह मैनेज करते हैं. और अगर बात करें जालीस, चॉकलेट्स, तो क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, तो फिर उन सुपर मार्केट्स में जब आप ग्रॉसरी करते हैं, तो साथ में अगर आप लोगों ने चॉकलेट्स, जेलीज लेने हैं, तो फिर आप लोगों ने पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक करने होते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. अगर यहाँ पर जो है अल्कोहल नहीं है, सो यू कैन बाय इट, सो यू कैन ईट इट इजीली. और कुछ जो है बहुत ज़्यादा इस तरह भी होते हैं कि वो जो है वेगन होती है, या उस पर जो है इस तरह वी जो है उसकी निशान होती है, टू लीव्स होते हैं, कि मतलब ये जो है मतलब दिस इज़ हलाल और आप लोग ये खा सकते हैं. तो बस ये तरीका है जी यहाँ पर. ये अगर आप लोग, और जब हम लोग अपने कंट्रीज़ में होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो फिर तो कोई बात नहीं होती. जिधर भी जाओ केक खाओ, जहाँ से दिल चाहे जेलीज ले लो, चॉकलेट्स ले लो, चिकन मीट. और जो बहुत बड़ी मुझे कभी कभार कमी फील होती है वो ये है कि आई एम अ बिग लवर ऑफ फास्ट फूड, लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं खा सकते. क्योंकि अगर हम लोग बात करें मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग्स या इसके अलावा जो भी हैं, तो वो सब जो है उनमें जो बर्गर्स मिलते हैं या पिज़्ज़ा वगैरह, तो वो मीट और चिकन जो है वो हलाल नहीं होते, तो इसलिए हम लोग वो नहीं खाते. और फिर हाँ, इस तरह होता है कि यहाँ पर जो है तुर्की, जो हमारे तुर्की भाई है, सॉरी जो तुर्किश हैं, तो इनके रेस्टोरेंट्स होते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग खाते हैं, तो वो जो है अच्छा होता है. लेकिन फिर भी कभी कभार टेस्ट चेंज करना चाहिए. अगर आप लोग अपने कंट्री में हैं, तो आप लोग डिफरेंट जगह जाते हैं, चलो जी आज ही टेस्ट करते हैं, आज ही टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर कुछ जो है ना बस वो लिमिटेड हो जाती है हर चीज़ की, मतलब इधर ही जाना है और बस इधर से ही लेना है. तो जी ये थी आज की व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा. और इसके अलावा मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊँ, ये देखें ये कितनी खूबसूरत पूल है, और इट वॉज़ लुकिंग सो गुड. और यहाँ पर जो अमेजिंग बात है ना, यहाँ पर ये पार्क्स में जब बच्चे खेलते हैं, तो पार्क्स को जो है बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया जाता है, तो फिर आप लोग जो है वो भी नहीं होते, बोर भी नहीं होते, इतनी अच्छी व्यू होती है. और जो है साथ में हम बच्चों के साथ खाने के लिए भी कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि इनको भूख लगती है थोड़ी देर बाद, जूसेस, बिस्किट्स, केक्स, तो इस तरह जो है फिर स्नैक्स वगैरह हम लेते हैं और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो खाते हैं. चलिए जी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़. और अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़. चूज़.